हरियाणा के फरीदाबाद में ड्यूटी पर जा रहे दो पुलिस अधिकारी बाल बाल बच गए। बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर उनकी चलती कार में भयंकर आग लग गई। मौका देखकर दोनों पुलिस कर्मियों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार दोनों पुलिस अधिकारी फरीदाबाद के आदर्श नगर पुलिस थाने से जा रहे थे। इस दौरान सेक्टर 31 पुलिस लाइन के पास कार के बोनट में आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर में तमाशबीन लोग मौके पर जुट गए। हालांकि किसी को भी गाड़ी के पास जाने नहीं दिया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं कैसे हुआ ये हादसा। ये हम पुलिस लाइन फरीदाबाद ड्यूटी पे जा रहे थे आदर्श नगर फाड़े से, जो एकदम सर्किट आगे से फॉल्ट हो गया गाड़ी के अंदर, उससे अचानक आग लग गई। इतनी भयंकर आग लगी कि जो हम काबू ही नहीं हुई। सीएनजी गैस की वजह से लगी है, कोई पार्किंग नहीं, क्या है? पार्किंग की वजह से लगी जी, इसमें पार्किंग हुई है आगे की तरफ। कौन कौन लोग थे जी इसमें? एक तो मैं एसआई, एक सब इंस्पेक्टर ब्रज भूषण था जी मेरे साथ, हम दोनों मीटिंग जा रहे थे। बिल्कुल हम सेफ है जी। पता चल गया था आपको आग लगने का? हाँ, आग लगने का पता चल गया था आगे बोनट से।